आइए फ्रेंड्स, आज एक और चॉकलेट की रेसिपी बताती हूँ, फेरो रोसेस। बहुत ही इजी है इसे घर पे बनाना। सबसे पहले आप मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर ले और उसे थोड़ा सा ठंडा होने दे। फिर सिलिकन मोल्ड ले ले, जिस शेप का आप बनाना चाहे, छोटा या बड़ा कोई भी सेमी सर्कल ले ले, और एक एक चम्मच करके मेल्टेड चॉकलेट इस पे पोर करें और अच्छे से उसे मोल्ड के अंदर घुमा ले ताकि सभी जगह ये चॉकलेट स्प्रेड हो जाए। इस तरह आप दो बार चॉकलेट डालिएगा इसके अंदर, फिर उसे बाहर ड्रेन आउट कर दीजिए पूरे चॉकलेट को, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो भी रहे वो बाहर निकल जाए। आप चाहे तो प्लेट के ऊपर उसे उल्टा रख दे तो अच्छे से पूरा चॉकलेट बाहर आ जाएगा और जितना जरूरत हो वो मोल्ड में लगा रहेगा। फिर नाइफ से इसे क्लीन अप कर लीजिए, और ध्यान रहे ये चॉकलेट कप्स बहुत ही पतले नहीं बनने चाहिए, और फ्रीजर में 10 मिनट रखने के बाद इन कप्स को हम इजीली निकाल सकते हैं। एक एक करके इजीली निकाल लीजिए, और ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं। अब इन कप्स में हम न्यूट्रेला हेजलनट स्प्रेड डालेंगे, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये भी फेरो रस का होता है न्यूट्रेला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आधा आधा चम्मच इसमें डाल लीजिए। हल्के हाथों से डालिएगा, कप्स कहीं से भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद हम रोस्टेड हेजलनट और रोस्टेड एलमंड्स डालेंगे। दोनों इजीली मार्केट में मिलते हैं। एलमंड्स को आप घर पे भी रोस्ट कर सकते हो। एक एक करके हर एक कप में आप हेजलनट और एलमंड अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। आप चाहे तो इसमें दो दो हेजलनट या एक हेजलनट और एक एलमंड भी डाल सकते हो। फिर दोनों कप को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह कप को ज्वाइन करिए, और फिर मेल्टेड चॉकलेट जो कि ठंडा किया हुआ है इसे हम जॉइंट के ऊपर डालेंगे। धीरे धीरे स्प्रेड करें। इस तरह दो कप्स एक साथ जॉइन होके बॉल बन जाएगा। सभी कप्स को जॉइन कर लीजिए आप, और जो हमारी बची हुई हेजलनट और एलमंड्स है उसे हम क्रश करके एक ट्रे में डाल लेंगे, और चॉकलेट बॉल्स को सबसे पहले हम मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे जो कि थोड़ा ठंडा किया हुआ था, और फिर इस बॉल को हम क्रश पाउडर के ऊपर रोल ऑन करेंगे ताकि एक लेयर अच्छे से फॉर्म हो जाए हेजलनट और एलमंड का, और ये हमारा चॉकलेट तैयार है। बचे हुए मेल्टेड चॉकलेट और क्रश पाउडर को आप मिक्स कर लें, और मोल्ड में डाल के आप किसी भी शेप में चॉकलेट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चॉकलेट को आप किसी भी ओकेशन पे बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हो। खाने में ये चॉकलेट बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। आउटर कवर नट्स का और अंदर में चॉकलेट, फिर से नट। क्यों ना इस मदर्स डे पे ये रेसिपी हम ट्राई करें। थैंक यू।